छात्रों, जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने आपको आपकी दूसरी कक्षा का पहला पाठ, पहला लेसन आपको बताया था, वो आपकी प्रार्थना की एक कविता के रूप में। अभी आपका दूसरा लेसन है खरगोश की बुद्धिमानी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पुराना लेसन, पहला लेसन अच्छी तरीके से याद करके अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, उसके प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे। अब आपको इसी प्रकार से ये आपका दूसरा लेसन जो है खरगोश की बुद्धिमानी, इसका पाठ का सार पूरा समझना है। पहले कविता थी, अब ये पाठ का सार है। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, इसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है। और इस पाठ को अच्छी तरीके से समझना है, इसके कठिन शब्दों को भी समझना है, शब्द अर्थ को भी याद करना है और अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ करके और वो करना है। तो मैं आपको अब ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ और ढंग से समझिएगा। इसके बावजूद इसके उत्तर भी आपको समझाऊँगा, इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मैं समझाऊँगा, इसके खाली स्थान रिक्त स्थान की भी आपको समझाऊँगा, शब्द अर्थ भी आपको समझाऊँगा। उसके बावजूद में आप इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखें, फिर इसको याद करें। तो हमारे पाठ का जो पाठ है वो पहले समझिए कि वो पाठ क्या है। पाठ है खरगोश की बुद्धिमानी। बेटा खरगोश तो आपने पता ही होगा, खरगोश कौन होता है। दूसरी बात बुद्धिमानी, बुद्धिमानी का मतलब होता है उसका ज्ञान, उसकी अकल, खरगोश की अकल। तो आपको समझ में आ गया कि खरगोश की बुद्धिमानी पाठ हमारा क्या है। अब आगे इसका सार कैसे, किस तरीके से इसमें जो उसके रचयिता हैं, जो जिस लेखक ने इसको लिखा है, आप इसमें क्या लिखता है, लेखक लिखता है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। किसी जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर रहता था। वह बहुत ही ताकतवर और खूंखार था। ताकतवर का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, ताकतवर का मतलब होता है शक्तिशाली, और खूंखार का मतलब होता है बहुत ही डरावना, बहुत ही जो क्या नाम जी गुस्से वाला इंसान, या खुकार मतलब जो बहुत ही गुस्सा करता हो। तो हमने पढ़ा क्या कि एक जंगल में एक शेर रहता था। जो भी जानवर उसे दिखाई देता था, जंगल के अंदर जो भी जानवर उसे दिखाई देता था, वह उसे मार डालता था। और इसीलिए सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। अब भयभीत का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भयभीत का मतलब होता है डरना। तो जब शेर ताकतवर और खुखार था तो वो सभी जानवर को मार दिया करता था। तो जानवर क्या करने लगे थे, उसे भयभीत रहने लगे थे। क्या करने लगे थे? डरने लग गए थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे होकर के शेर के पास गए। किसके पास गए? शेर के पास गए। क्या होकर के? इकट्ठे होकर के, एक साथ होकर के गए कि भाई हम शेर से बात करते हैं। शेर अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था। क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? आराम कर रहा था। गुफा उसका घर था, वो उसके पास आराम कर रहा था। सभी जानवरों को एक साथ देखकर बोला, कौन बोला? शेर बोला। शेर सभी जानवरों को देखकर के बोला, क्या सभी एक साथ मरने के लिए आ गए हो? मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसके अंदर आपको कोमा दिखाई देगा और यहाँ दो कोमे, जिनका मतलब क्या होता है कि शेर ने उनसे पूछा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब शेर ने यहाँ से बात शुरू करी और यहाँ पे बंद करी, तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे इसको बंद करेंगे, तो इसका अर्थ यहाँ उसकी बात पूरी हो गई। अब जानवरों की बारी। सभी जानवरों ने शेर के आगे सिर झुकाया। क्या किया? अपना सिर झुकाया। क्यों झुकाया? क्योंकि वो ताकतवर और खुखार था, नहीं तो वो उनको मार डालता, ठीक है ना। सर झुकाकर कहा, हे जंगल के स्वामी। स्वामी का मतलब होता है बेटा राजा, जो मतलब जंगल के अंदर जो सबसे बड़ा होता है और सबसे ताकतवर होता है, उसको कहते हैं राजा। इस जंगल में बेटा, यहाँ पे देखिए, ये लगा रखा पूर्ण विराम, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। मतलब उसने बात जरूर कही है, मगर उन्होंने बात जरूर कही है मगर वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो ये वाक्य बन जाता है ना, हे जंगल के स्वामी। वहाँ थोड़ी देर उन्होंने रुके, फिर उसके बावजूद में शुरू करे, इस
जंगल में अब बहुत कम जानवर रह गए हैं, बहुत कम जानवर रह गए हैं, इस जंगल में अब बहुत कम जानवर रह गए हैं। ये किसने कहा उनको? सभी जानवरों ने शेर से कहा कि इस जंगल में बहुत कम जानवर रह गए हैं, बहुत जल्द यह जंगल खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब ये कौन कह रहा है? ये सभी जानवर जंगल के स्वामी से, शेर से कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द समय में ये जंगल खाली हो जाएगा। यह बात सुनकर शेर बोला, अब शेर ने उनसे बात करी और बोला कि तो क्या मैं तुम्हें मारना बंद कर दूं? यदि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? वो कहता है कि भाई अगर जंगल में जानवर कम हो गए हैं तो इसका मतलब मैं तुम्हें मारना बंद कर दूं? यदि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? भाई मेरी भूख कैसे मिटेगी? जैसे हम भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं ना, इसी प्रकार से अगर शेर को भूख लगती थी वो जानवरों को खाया करता था। अब हाथी बोला, अब जानवरों में से कौन बोला? हाथी बोला, महाराज। महाराज का भी मतलब बेटा राजा होता है। महाराज, हम में से कोई एक प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है बेटा रोज, डेली। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोज। प्रतिदिन आपके पास आ जाएगा, आ जाया करेगा, आप उसे खाकर अपना पेट भर लेना। क्या कर लेना? अपना पेट भर लेना। कौन? हाथी बोला। हाथी बोला, महाराज। शेर से बोला, महाराज हम में से जितने हम जानवर बचे हुए हैं उनमें से रोज एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा और आप उसको खाकर अपना पेट भर लेना। देखिए ये शेर है और ये सभी जानवर उसके पास में खड़े हैं। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें शेर ने अब आगे क्या कहता है कि शेर ने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, अब मुझे शिकार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो शेर को खुद शिकार ढूंढना पड़ता था, सारे जानवरों को ढूंढना पड़ता था, अगर जो जानवर उसके सामने आ जाता था उसको मार दिया करता था। परंतु जब सारे जानवर उसके पास पहुंच गए और उन्होंने उनके सामने प्रार्थना की कि हे जंगल के राजा महाराज, अगर हम आप हमें मत मारिए, हम रोज़ एक न रोज़ नियम से एक एक करके आपके पास आ जाएंगे और आप हमें खा लेना। तो शेर ने सोचा अच्छा है, चलो अच्छा है, अब मुझे शिकार करने जाना नहीं पड़ेगा। शेर ने उनकी ये बात मान ली, शेर ने उनकी ये बात मान ली। अब सभी जानवरों ने अपनी अपनी बारी तय कर ली। जिसकी बारी आती वह शेर के पास चला जाता और शेर खाकर अपनी भूख मिटा लेता। क्या कर लेता? अपनी भूख मिटा लेता। शेर खाकर अपनी भूख मिटा लेता। किसको खाकर? वह जानवरों को खाकर। किसको खाकर के? जानवरों को खाकर के। किसको खाकर के बच्चों? जानवरों को खाकर। अब उसने अब दूसरे जानवरों को मारना बंद कर दिया। अब देखो सभी वहाँ इकट्ठा करके गए, शेर से प्रार्थना करी कि भाई हम रोज़ डेली एक आदमी आ जाएंगे, आप ना जो कहना एक जानवर आ जाएगा, आप सभी जानवरों को मारना छोड़ दीजिए ताकि जंगल इतनी जल्दी खाली ना हो। अब शेर ने भी बात मान ली और ये नित प्रतिदिन ये काम चलने लग गया। अब बेटा आगे चलते हैं, क्या कहता है? एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई? खरगोश की। अब आपने टाइटल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था हमने टाइटल? कि खरगोश बुद्धिमान था, खरगोश की बुद्धिमानी। अब खरगोश की बारी आ गई भाई। अब खरगोश बहुत ही चालाक और चंचल था। क्या था? खरगोश बहुत ही चालाक था और चंचल था। बेटा चालाक का मतलब होता है चतुर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होना। चंचल का भी मतलब होता है जो क्या नाम, सुंदर सा प्यारा सा चुलबुले हरकतें करने वाला, ठीक है ना, चंचल। चालाक और चंचल था। उसने सोचा अगर आज मरना ही है तो क्यों ना थोड़े मज़े लिए जाएं, क्योंकि भाई वो चंचल और चालाक था। अब उसने सोचा भाई अगर मरना ही है तो क्यों ना मज़े लिए जाए, मरना तो फिर भी पड़ेगा। वह उछलता कूदता सारे जंगल में घूमकर अंत में शेर के पास पहुंचा। वो पता क्या करा उसने? वो उसने सोचा यार मरना तो है ही, क्यों ना जो क्या नाम जी आज अच्छी तरीके से पूरे जंगल को एक बार उछलता कूदता देख लूँ, लास्ट बार है मेरे जीवन का, लास्ट बार है। तो वो बहुत देर में शेर के पास में पहुँचा घूमता। उधर शेर का भूख के मारे बुरा हाल था। अब शेर तो भैया भूख
शेर को तो भूख लगाई और शेर को तो इतनी भूख लग रही थी कि वो उसका हाल बुरा हो गया। अब नन्हे खरगोश को देखकर उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध का मतलब होता है बेटा गुस्सा आना। क्या आया उसे? नन्हे शेर को देखकर के उसे बहुत क्रोध आया आया वह उसे बोला, अरे नीच, नीच का मतलब होता है बेटा छोटा गंदा। अरे नीच, जैसे हम कह देते ना ओ ये गंदे मेले कपड़े हो गए, तो वो नीच हो गए, या कुछ भी कह सकते हैं हम। ये नीच आदमी के लिए यूज़ होता है या जानवर के लिए होता है। तो नीच, अरे नीच, एक तो तू इतना छोटा है, तुझे खाकर मैं भूख भी नहीं मिट तुझे खाकर मेरी भूख भी नहीं मिटेगी, और तू इतनी देर से आया है। अब शेर गुस्से में उससे बोल रहा है, किससे बोल रहा है? खरगोश से बोल रहा है, भाई एक तो तू बहुत छोटा है उसकी, भाई आपको तो पता खरगोश कितना छोटा होता है, भाई तू छोटा है और फिर तू लेट भी आ रहा है। अब उसको तो भूख लग रही थी तो वो लेट आया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसने सोचा भाई मरना है तो जंगल में कूदते पानते आराम से पहुँच जाएंगे, कौन सी आप बता रही है। वो पहुँच गया, लेट पहुँचा, अब उसको भूख लग रही थी तो उसने उसको धमकाया। फिर कहता है आज इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। अब शेर को तो भाई बहुत गुस्सा आ गया, वो कहने लगा कि भाई आज इस जंगल में कोई भी नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा, तू इतने लेट आया और मेरा पेट भूख लग रही, चूहे कूद रहे थे, तो भैया अब तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। खरगोश बोला महाराज इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अब वो जंगल के राजा शेर से बोलता है कि महाराज इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। अपराध का मतलब होता है बेटा किसी भी प्रकार की गलती, अपराध का मतलब होता है गलती, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। अब देखो यहाँ उसने चलाकी खेली बेटा, उसने चला, इसी को कहते हैं बुद्धिमानी। अब खरगोश उससे कहता है मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने उसे रोक लिया था, मैं किसी प्रकार से उससे वापस लौटकर आने का वचन दे करके। बेटा उसने बोला, खरगोश ने दिमाग लगाया और खरगोश ने उसको बोला कि महाराज किसी दूसरे शेर ने मुझे रास्ते में रोक दिया था, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, मैं उससे वापस लौटकर उसको मैं ये बोल के आया हूँ कि मैं तेरे पास वापस आऊँगा। ये अपना वचन, वचन माने बेटा वादा करना होता है, वचन देकर बड़ी चालाकी, मतलब अपने दिमाग लगाया कि भाई मैं तेरे पास वापस आऊँगा, तू मुझे छोड़ दे, अभी मुझे जाने दे, तो मैं चालाकी से आया हूँ। शेर को क्रोध आ गया। अब शेर को गुस्सा आया भाई बहुत जोर की, उसको आया गुस्सा, वह गुस्से में भरकर बोला कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मुझे राज्य में, मेरे राज्य में, जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। अब कहाँ है वह दुष्ट, दुष्ट का मतलब होता है बेटा गंदा शेर। उसने बोला कहाँ है वह गंदा शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है और मेरा मुकाबला करना चाहता है। मुकाबला का मतलब होता है कि मेरे से लड़ाई करना चाहता है, ठीक है बेटा। अब किसने पूछा? उस शेर ने खरगोश से पूछा कि भैया वो कौन सा शेर है जो मुझसे, जो वो कौन सा गंदा शेर है जो मेरे राज्य में, मतलब राज्य का मतलब होता है जो जंगल, उसका जो जंगल था जहाँ वो रहता था उसमें गड़बड़ी करना चाहता है, मतलब गड़बड़ी का मतलब होता है मेरे बेटे उसको ख़राब करना चाहता है, तो मतलब कि और मुझसे झगड़ा करना चाहता है। खरगोश बोला महाराज शांत रहिए, वह बहुत बड़ा दुष्ट शेर है, आप उसके पास ना जाए। अब खरगोश ने यहाँ भी चलाकी खेली, खरगोश ने उसको उकसाने के मारे उसको और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर, मतलब उसको तेज़ गुस्सा आ जाए और वो उसके चक्कर चंगुल में आ जाए, तो उसने बोला, खरगोश बोला महाराज शांत रहिए, चुप हो जाओ महाराज, वह बहुत बड़ा और दुष्ट शेर है, वो बहुत गंदा और बहुत बड़ा शेर है, आप उसके पास ना जाएं, मतलब आप उनके पास मत जाइएगा, नहीं तो वो आपको भी मार देगा। अब शेर ने कहा, इतनी बात सुनकर के शेर ने कहा पहले मैं उस शेर को मारूंगा बाद में तुझे खाऊंगा। अब शेर को गुस्सा आ रहा था तो शेर ने बोला भैया पहले तो मैं अब उसी शेर को मारूंगा जिस शेर से तू बच करके आया है और फिर बाद में तुझे खाऊंगा, चल मुझे उस शेर के पास ले चल। अब खरगोश तो चाहता यही था कि किसी तरीके से ये इसके चुंगल में फंसे, तो खरगोश ने बोला ठीक है महाराज, खरगोश शेर को चलो आप मेरे साथ। फिर खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, किसके पास ले गया? कुएं के पास ले गया। कुएं पर पहुंचकर खरगोश बोला महाराज उसी कुएं में रहता है वह शेर। खरगोश ने शेर को कुएं के पास ले जाने के बाद शेर को कहा कि सर महाराज यह जो शेर है इसी कुएं में रहता है, देखिए ये कुआ है ना, अब इसमें एक शेर और दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखा रहा है ना एक शेर, हाँ, और देखो साथ में खरगोश भी है और वो शेर भी है जो उनको मारता था। अब देखिए बेटा आगे की कहानी,
शेर ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। बेटा परछाई का मतलब होता है कि जैसे अब आप अपने घर में शीशा देखते हो ना, देखते हो शीशा, सभी देखते होंगे, सभी बच्चे देखते होंगे। अब शीशे में कौन दिखाई देता है? आप अगर शीशे के सामने खड़े होते हो तो कौन दिखाई देता है? शीशे में आप खुद को ही देखते हो। इसी प्रकार से कभी आपने पानी में भरी हुई बाल्टी में पानी में अपना चेहरा देखा है? देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। और नहीं देखा तो नहाते वक्त आप देखना, तो ज़रूर आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो कुएं में पानी था उसमें उसको शेर को अपनी तस्वीर दिखाई दी, अपने जैसा एक शेर और दिखाई दिया, उसको कहते हैं परछाई। वह समझा सचमुच अंदर कोई दूसरा शेर है। अब भाई जानवर था, उसमें अकल थोड़ी थी, उसमें अकल कम थी, मगर खरगोश में बहुत अकल थी। अब उसमें जितनी अकल थी उसने उसी हिसाब से अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा कि भाई सच उसमें अंदर एक शेर है, मगर वो शेर नहीं था, उसकी परछाई थी। वह गुस्से में बहुत जोर से गरजा, गरजे का मतलब बहुत जोर से चिल्लाया, गरजना मतलब होता है बेटा चिल्लाना। कौन चिल्लाया? शेर चिल्लाया। कुएं में आवाज़ और ज़ोर से गूंजी। अब भाई कुएं से आवाज़ बहुत ज़ोर से, जैसे वो चिल्लाया तो कुएं में से आवाज़ वापस गूंज करके उसके पास आई। गूंजने का मतलब होता है बेटा बहुत ज़ोर से आवाज़ का वापस आना, ठीक है ना? जैसे हम कमरे में बैठ करके हम ज़ोर से चिल्लाते हैं तो वो आवाज़ हमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है ना, इसी प्रकार से शेर ने समझा अंदर से दूसरा शेर गरज रहा है। शेर अब उस शेर ने समझा कि भाई अंदर जो शेर बैठा है वो भी मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। वह तुरंत उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। वो क्या कर पड़ा? अब उसको गुस्सा आया तो उसने क्या काम किया, पहले मैं तुझे मारता हूँ। और वह तुरंत उसने कुएं में कूद रहा, छलांग लगा दी और पानी में डूब कर शेर मर गया, क्योंकि पानी ज़्यादा था और कुएं में जैसे शेर घुसा तो वो पानी में गिर करके उसने अपनी जान दे दी, वह मर गया। खरगोश मस्ती से उछलता कूदता वापस अपने घर आ गया। कहाँ आ गया? वापस अपना घर आ गया। कहाँ? तो वो शेर का भोजन बनने गया था, मगर वो शेर को मार के आ गया, क्योंकि उसके अंदर दिमाग था, बुद्धि थी, चालाक था वो। सभी जानवर उसको देखकर बहुत खुश हुए। खरगोश ने सबको शेर के मरने की बात बताई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। आज हर जानवर अपने अपने आज़ाद महसूस, अपने आप को आज़ाद, आज़ाद मतलब होता है बेटा बिल्कुल जिस पे किसी भी प्रकार का डर ना हो, जिसको किसी भी प्रकार का कोई भी डर ना हो, वो महसूस मतलब अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे थे। महसूस का मतलब होता है बेटा खुद के अंदर मतलब बिल्कुल जो कहना जी किसी भी प्रकार की डर ना होना महसूस कर रहा था। साथ ही नन्हे खरगोश को शाबाशी भी दे रहे थे। शाबाशी मतलब उसका धन्यवाद भी कर रहे थे और शाबाशी भी, उसका नाम भी रट रहे थे। तो जैसे आप कोई अच्छा सा काम करो, पापा मम्मी कहते ना ओए मेरे बच्चे ने तो अच्छा काम किया, मेरे बच्चे अच्छा काम किया, बार बार बोलते ना, इसी प्रकार से सभी जानवर जो थे उसको जो क्या नाम जी शाबाशी दे रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक इस कहानी को पढ़ाने का, इस कहानी के अंदर जो भी आपका मीनिंग है, इसका जो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर डरना नहीं चाहिए। अपने दिमाग से अपने अगर हम चाहें तो अपने दिमाग लगा करके उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके आगे मैं आपको इसके शब्दार्थ, जो ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं, वर्ड मीनिंग जो लिखे हुए हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वर्ड मीनिंग आपने किस तरीके से करने हैं, ये जो वर्ड मीनिंग जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें से जो कठिन कठिन शब्द होते हैं ना, जो कठिन कठिन शब्द होते हैं जिनका आंसर आपको विचलित कर सकता है, विचलित का मतलब जो आपको डरा सकता है, जो जिनका मतलब वो उसके शब्द के अर्थ होते हैं। अब देखिए भयभीत, मैंने आपको पास लेसन का सार पढ़ाते हुए भी आपको मैंने पढ़ाया था ना, भयभीत आता है बीच में, भयभीत, भयभीत का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, ठीक। चंचल, चंचल का मतलब शैतान, जैसे आप लोग शैतान हो ना, शैतान, शैतानी करते हो ना, सारा दिन मम्मी पापा को दुखी रखते हो, इसी प्रकार से। प्रतिदिन मतलब रोज़ाना, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोज़ाना। क्रोध, क्रोध का मतलब गुस्सा, जैसे आप हर बात पे कोई चीज़ ना मिले तो आप क्या करते हो? गुस्सा करते हो ना, क्रोध करते हो, इसी प्रकार से। अपराध, गलती। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप इस काम को ना करेंगे तो आपका ये क्या है? अपराध हो जाएगा, गलती हो जाएगी, आप उस काम को नहीं करोगे फिर आपकी क्या होगी? पिटाई होगी। क्या होगी? पिटाई होगी, अगर आपने काम नहीं किया तो, देखना, ध्यान रखना। परछाई, परछाई का मतलब छाया, मतलब छाया का मतलब आपका दूसरा प्रतिबिंब, मतलब आपका दूसरा, अब जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, आप जैसा एक बंदा, आप बिल्कुल शीशे के अंदर घुस जाओगे, है ना, ऐसे उसको छाया, उसको कहते हैं छाया।
अब इसके प्रश्न उत्तर जो ये है मौखिक है बेटा, ठीक है ना। मौखिक का मतलब होता है सिर्फ याद करने के लिए, परंतु आप इनको याद करके लिखना भी है आपने, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखो, ये मौखिक होते हैं, आपको लिखने भी हैं, ठीक है ना, और याद भी करने हैं। जंगल में कौन रहता था? अब भाई आप ये बताओगे जंगल में कौन रहता था? जंगल में शेर रहता था। कौन रहता था? शेर रहता था। अच्छा अब मैं आपको इसको छुपा लेता हूँ। शेर कैसा था? शेर बहुत ही शक्तिशाली और खूंखार था। शेर खूंखार था, ठीक है ना। और अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, सभी जानवर इकट्ठा होकर कहाँ गए? कहाँ गए थे सभी जानवर इकट्ठा होकर के? कहाँ गए थे? शेर के पास गए थे। सभी जानवर इकट्ठा होकर के शेर के पास गए थे। सभी जानवर इकट्ठा होकर के शेर के पास गए थे, शेर के पास गए थे। अच्छा भाई अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें सही विकल्प पर सही चिन्ह का चिन्ह लगाएं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ये देखो सही विकल्प बच्चों, अब हम इनके सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। ये अब हमारा तीसरा जो आपका एक्सरसाइज का तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, ये इसमें से विकल्प जो होते हैं ना, जो ये क ख ग इन पे चिन्ह लगाने हैं, जो इससे आपके बारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी इसमें क्या पूछता है, देखिए क्या कहता है। शेर रहता था। अब आप ध्यान लगाओ कि शेर कहाँ रहता था? मैंने कहाँ बताया था आपको शेर कहाँ रहता था? जंगल में। कहाँ रहता था? जंगल में। बाग में तो नहीं रहता था ना, और ना ही नहर में रहता था, वो जंगल में रहता था। अब शेर अपनी गुफा के डैश आराम कर रहा था। कहाँ कर रहा था आराम? बाहर कर रहा था, अंदर कर रहा था, या कहीं नहीं कर रहा था? आराम तो कर रहा था वो। कहाँ कर रहा था? बाहर कर रहा था। अंदर तो नहीं कर रहा था ना, बाहर करना था। अब सभी जानवर शेर से क्या करते थे? क्या करते थे सभी जानवर शेर से? डरते थे। क्या करते थे? डरते थे, डरते थे। तो आपने डरते पे चिन्ह लगाना है। वैसे इसमें दे रखा डरते थे, मरते थे, नाराज़ होते थे, मगर आपने डरते पे लिखना। अब चालाक और चंचल कौन था? अब आप बताइए चालाक और चंचल कौन था? चालाक, अब इसमें क्या दे रखा? क में शेर, ख में खरगोश, और ग में दे रखा या दोनों। अब यह बताइए कि दोनों चालाक वो थे? नहीं थे ना। दोनों चालाक क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई शेर अगर चालाक होता तो वो कुएं में छलांग ही नहीं लगाता, ठीक है ना। तो अब कौन बचा? एक खरगोश बचा। तो हमने खरगोश पे चिन्ह मात्र कर दिया है, ठीक है ना, चिन्ह लगा दिया है। अब आगे इसके लिखित जो आपके वो हैं, अब आपका जो क्या नाम रिक्त स्थान, वो आपको करने हैं। किस प्रकार से करने हैं? सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो पहला शब्द है गुफा, दूसरा झूम, तीसरा शेर, चौथा भूख, पांचवा चालाक और आराम। गुफा का मतलब घर, शेर का घर। झूम का मतलब झूमना, नाचते गाते रहना। शेर तो शेर ही जानते हो आप। भूख, जो पेट में भूख लगती है। चालाक, जो खरगोश ने चालाकी खेली थी, चतुराई। और आराम, आराम से सोना। अब हम पढ़ते हैं आगे, इसमें क्या पूछा गया है। जंगल में एक डैश रहता था। कौन रहता था? जंगल में एक शेर रहता था। शेर अपनी डैश के बाहर आराम कर रहा था। किसके बाहर आराम कर रहा था? गुफा के बाहर आराम कर रहा था। शेर को डैश लगी, डैश के मारे बुरा हाल था शेर का। किसके मारे बुरा हाल था? भूख के मारे। देखिए यहाँ पे भूख है। सभी जानवर खुशी में डैश उठे। क्या उठे? झूम उठे, नाचने गाने लग गए। तो आपने अब ये आपने पढ़ना है। आगे देखिए, किसने और किसको कहा? किसने और किसको कहा? अब इसमें कुछ वाक्य पूछे गए हैं कि भाई ये शब्द किसने और किसको कहे। तो पहला है, जंगल में अब बहुत कम जानवर रह गए। अब ध्यान कीजिए पाठ के सार के अनुसार, जंगल में अब बहुत कम जानवर रह गए। तो ये किसने कहा? सभी जानवरों ने शेर से कहा। सभी जानवरों ने किससे कहा? शेर से कहा। दूसरा है,
तो क्या मैं तुम्हें मारना बंद कर दूं? अभी ध्यान लगाइए, किसने बोला था? शेर ने कहा था। शेर ने किससे कहा था? जानवरों से कहा था। शेर ने किससे कहा था? जानवरों से कहा था। पहला था कि जंगल में अब बहुत कम जानवर रह गए, सभी जानवरों ने शेर से कहा था। किसने कहा था? सभी जानवरों ने शेर से कहा। दूसरा है कि तो क्या मैं तुम्हें मारना बंद कर दूं? शेर ने जानवरों से कहा। किसने कहा? शेर ने जानवरों से कहा। हम में से कोई प्रतिदिन आपके पास आ जाया करेगा। हम में से कोई प्रतिदिन आपके पास आ जाया करेगा। हाथी ने शेर से कहा। किसने कहा? हाथी ने शेर से कहा। हाथी ने कहा था ना, सभी जानवरों ने कहा, सिर्फ ओनली हाथी ने कहा था ना कि महाराज हम में से प्रतिदिन आपके पास कोई ना कोई आ जाया करेगा। महाराज इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अपराध माने गलती। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। अब ये सब किसने किससे कहे थे? ये सब खरगोश ने शेर से कहे थे। किसने किससे कहे थे? खरगोश ने शेर से कहे थे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पहले मैं उस शेर को मारूंगा, बाद में तुझे खाऊंगा। ये शब्द किसने किससे कहे थे? ये सब शेर ने खरगोश से कहे थे। खरगोश से कहे थे ना शेर ने कि भाई अब मुझे उस शेर को दिखा, पहले मैं तुझे मारूंगा, पहले उस शेर को मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। चलिए, अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे चलते हैं हम सही कथन के आगे। मतलब सही कथन, मतलब कथन का मतलब होता है पूरा वाक्य। सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोलता है वो? नंबर वन, शेर बहुत कमज़ोर था। कौन था? कमज़ोर। क्या शेर बहुत कमज़ोर था? ध्यान लगाइए, शेर नहीं, कमज़ोर नहीं था। क्या था? शक्तिशाली और खूंखार था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ना। तो गलत के सामने कौन सा चिन्ह लगाना हमने? गलत। तो यहाँ पे आएगा आपका गलत। अब आगे चलते हैं। सभी जानवर शेर से प्रेम करते थे। प्रेम का मतलब होता है प्यार करना। अब आप बताइए, क्या वो प्रेम करते थे? भाई प्रेम कैसे करेंगे? वो उनको मारता था, खाता था, डराता था, ठीक है ना। तो प्रेम नहीं करते थे, तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत का चिन्ह कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, इसमें गलत का चिन्ह ही लगेगा। अब आगे चलते हैं। शेर अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था। ये बात सही है। कहाँ कर रहा था आराम? गुफा के बाहर कर रहा था। तो इसका मतलब हो गया सही। तो इसमें सही का निशान लगाया जाएगा। इसमें कहा ना कि सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना। अब आगे चलते हैं हम। कुएं में शेर की आवाज़ नहीं गूंजी। अब आप बताइए कि भाई शेर की आवाज़ गूंजी थी, नहीं गूंजी थी? क्योंकि भाई दूसरा शेर तो नहीं था, वो उसकी परछाई थी, तो परछाई कभी बोलती नहीं है। शेर ही तो बोलता है ना, जो जिंदा जी आदमी होता है। तो इसी प्रकार से कुएं में शेर की आवाज़ नहीं गूंजी थी, तो ये गलत कह रहा है। तो हमें इस पर गलत का निशान लगाएंगे। आगे चलते हैं। सभी जानवरों ने नन्हे शेर को शाबाशी दी। जी हाँ, बिल्कुल दी थी ने, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। अब इसके जो क्या नाम जी, आपको सब कुछ मैंने करवा दिया है। इसमें उत्तर पुस्तिका के प्रश्न भी करवा दिए हैं आपको। इसमें लिखित प्रश्न नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मौखिक वाले लिखित प्रश्न ही लिखने पड़ेंगे। लिखित प्रश्न करवाए मैंने आपको। ठीक है, आपको वही प्रश्न करने पड़ेंगे जो आपको मैंने इसमें करवाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा पाठ, इसके प्रश्न उत्तर, इसके जो क्या नाम जी पूरा पाठ का सार आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में लिख लें और इसको याद कर लें। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में बात कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में पूरा का पूरा समझाऊँगा। तो अब आपको ये अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। थैंक यू।